बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे आलू और गोभी वाले पकौड़े। आज हम बनाएंगे गोभी और आलू वाले पकौड़े। गोभी को मैंने धो के, आलूओं को धो के काट के रख ली है। अब इन्हें मैं पानी में शामिल कर लूँगी। अब मैं गोभी में 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी ताकि वो इसमें अच्छी तरह रच बस जाए और फिर गोभी अच्छी मज़ेदार बनेगी। अब हमारी गोभी आधी गल चुकी है। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे और उनको भी थोड़ी देर के लिए उबाल देंगे, 5 मिनट के लिए। अब हमारी आलू और गोभी उबल चुकी है। हमारी गोभी उबल गई है। अब हम अपने बर्तन में बेसन डाल लेंगे। बेसन मैंने 1 पाव बेसन ले लिया। अब इसमें 1 चम्मच में नमक शामिल करूंगी। दो टीस्पून खुशक धनिया और जीरा। ये मेरी चम्मच छोटी है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है। और 2 चम्मच ही मैं इसमें दड़ा मिर्च शामिल करूंगी। अब हम प्याज शामिल कर देंगे। सब्ज़ी मिर्च इन साबुत मिर्चों के दरमियान मैंने टक लगा के उसमें नमक और मिर्च भर दिया है। अब इसमें सब्ज धनिया डालूंगी। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लूं। अब मैं आधी चम्मच अजवाइन शामिल करूंगी और आधा लेमन शामिल करूंगी। इसे लेमन के साथ इसका पकौड़ों का जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। खासकर गोभी और आलू वाले पकौड़े जो हमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैंने बेसन घोल लिया। अब हमारी गोभी और आलू ठंडे हो गए हैं तो इसमें शामिल कर लूंगी मैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें तेल शामिल करेंगे। बेसन मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी। गोभी और आलू के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर गोभी को पहले उबाल लेना तो वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कच्ची गोभी के इतने मज़े के पकौड़े नहीं बनते। ये मैंने थोड़ी सी इसमें साबुत मिर्चें दरमियान से काट के वो भी डाली हुई है। अब हमारे पकौड़े तैयार हो गए।
पापा अब आपको प्लेट में डाल कर दिखाते हैं। अगर आपको मेरी आलू गोभी के पकौड़ों की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।